उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रकमपुरा गांव में रविवार रात हुई एक युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार रकमपुरा निवासी 29 वर्षीय चैन राम प्रतापनगर में एक शराब के ठेके पर सेल्समैन था। सोमवार रात मासी का लड़का शंकर गमेती दो युवकों के साथ चैन राम के घर आया और उसे बाहर बुलाते हुए चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। दो भाइयों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में चैन राम ने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दो आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है, तो वहीं ग्रामीणों ने प्रेम प्रसंग जैसी किसी भी बात से इनकार किया है। मृतक चैनराम के दो बच्चे और बुजुर्ग माता पिता का आखिरी सहारा वही था, इसी वजह से ग्रामीणों ने उचित मुआवजे की मांग भी की है और मुआवजा नहीं मिलने पर मृतक के शव को आरोपी के घर के बाहर ले जाकर अंतिम संस्कार करने की चेतावनी दी है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दो की तलाश जारी है। लक्ष्मण सिंह मेरा नाम है, ये चैनराम बिल नाम का ये रकमपुरा का निवासी है। इसकी रात को 9:30 बजे चार गुंडे आए और उन्होंने घर से बाहर बुलाया उसको और उसकी धारदार हथियार से उसकी हत्या की है। मेन रीज़न कोई नहीं है, ये आपसी दोनों भाई थे और रंजिश क्या है जो साथ में रहते थे और बाहर बुला के उसकी हत्या करवाई। अभी तक कोई कारण हमको पता नहीं चला है, पर हम सरकार से और प्रशासन से आश्वासन चाहते हैं कि उसके परिवार को अच्छा मुआवजा मिले और उनके भरण पोषण का काम करे, नहीं तो लाश उसके घर पर जलाएंगे हम तो, और वेर के बदला वेर लेंगे हम।